उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को इस दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने ओटीएस योजना लागू की है। इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारित राशि का 10% पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा करना होगा। शेष निर्धारण राशि के एक मुश्त अथवा अधिकतम 3 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। बकायेदारी पर स्थायी रूप से काटे जा चुके कनेक्शन के मामलों के साथ ही विवादित एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में भी ओटीएस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। केस्को एमडी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी हो चुकी है वो योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें डीएम को देय कलेक्शन चार्ज अलग से जमा करना होगा। उन्होंने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो योजना का लाभ उठाते हुए बकाए को भी जमा कर दें। एक मुश्त समाधान योजना 2023 ये 8 नवंबर से चालू होगा। ये 3 अवधि में बांटा गया है, 8 नवंबर से 31 नवंबर, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 अवधि है। इस योजना का मेन मकसद है जल्दी आए ज़्यादा छूट पाए और जितने लेट आएंगे उतना कम लाभ मिलेगा, जितने जल्दी आ जाएंगे उसका ज़्यादा फायदा होगा। इस योजना के अंतर्गत जो निजी नलकूप का उपभोक्ता है उनके लिए अधिभार की गणना 31 मार्च तक एक डेडलाइन दिया गया है। बाकी अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक की जो बकाया है उसके संबंध में योजना है। पहले उनको uppcl.org वेबसाइट पे पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय 30% पंजीकरण राशि उनका जो टोटल ड्यू है उसमें पे करना होगा। उसके बाद उनको चॉइस मिलेगा एक मुश्त पे करने के लिए या इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। एक मुश्त पे करने में काफ़ी फायदा है और लोग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट है, बट इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन।